छाले तो मैं सही कर दूंगा। छाले कहाँ हो रहे हैं आपके मुंह में? इसका नाम क्या है? इसका नाम लट है। तो देखो भाई, हमारा ये स्टूडेंट है, बड़ा ही प्यारा विद्यार्थी, इसके मुंह में हो रहा है छाले। तो ये बताएगा इशारों इशारों में, है ना, इसका नाम क्या है? लट, लट नाम है। चलिए आप मुझे बताइए, दशरथ शर्मा एक व्यक्ति था, उसने कालीबंगा को कौन सी राजधानी बताई थी? अरे वाह, तीसरी राजधानी प्रसिद्ध है, बोलूंगा नहीं, छाले हो रखे हैं, हाँ दिक्कत आती है, कोई बात नहीं। तीसरी राजधानी, फिर तीसरी किसको बताई? तीसरी को कौन सी बताई? फिर इशारों में बता दो, लिख के बताओगे? चलो वाह, तो अब ये लिख के बता रहे हैं आपको, बड़ी गजब की बात है। नया पेज निकाल देता हूं, होनहार बालक हो तो ऐसा आ जाओ, आ जाओ फटाफट से, दोनों तरफ से चलेगा, आ जाओ दोनों तरफ से। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पेन के थोड़ा सा दूर से पकड़ो, पेन की तरह, क्या बात है, ये बता रहे चाहूं दुड़ो, वाह एक बार ताली हो जाए, जिद हो तो ऐसी, पर बोलना नहीं है, कुछ भी हो जाए। अभी इशारों इशारों वाले क्वेश्चन और बहुत बनते हैं। अच्छा महाकाव्य कितने हैं इशारों में बता दो? कितने कितने बता रहे हैं? तीन, दो या तीन? हाँ दो, दो। चलो लिख के बताओ कौन से दो है। महाकाव्य लिख रहे हैं ये, महाकाव्य, शाबाश, महाकाव्य लिख के बता रहे हैं आपको, आराम से लिखो, मस्त होगी, लिखो यार, आ जाओ ऊपर चढ़ जाओ आप, चढ़ो ऐसे ही यहीं से लिख दो, थोड़ा सा दूर से पकड़ो इसको, हाँ अब से लिखा जाएगा। हाँ दो महाकाव्य हैं, कौन कौन से बता रहे हैं? फूंक कैसे निकल गई, याद नहीं आ रहे। चलो मुझे ये बताओ वेदांग कितने हैं? वेदांग चार, चार। किसी एक दो वेदांग के नाम तो बताओ, गण लिख के बता दो, क्योंकि इशारों में तो उंगलियां कम पड़ जाएगी आपकी, दुर्गा माता तो नहीं। हाँ पुराण कितने हैं? वाह 18 पुराण बताए हैं। सबसे प्राचीन कौन सा है वो और लिख दो, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? भूल गए, चलो कोई बात नहीं, खुश कर दिया आपने तो बहुत बढ़िया है, जिद तो आपकी टूट गई आखिरकार, इसका नाम भी तो बता दो जाते जाते, ठीक है आप खड़े रहो। चलो आप मुझे बताओ, इन्होंने पुराण बताए 18, आप तो बोल सकते हो ना, बोलोगे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण याद नहीं है, ईमानदार। वेद कितने? वेद कितने इशारों में बता दो, लिख के बताओगे तो क्या गजब है, हाँ ऊपर चढ़ेगी, लिख दो आराम से। अरे वाह सामवेद, अथर्ववेद, वाह यजुर्वेद, ठीक है, पर इसको यहाँ से हटाओ नहीं तो पहला वेद चौंदड़ो लगेगा कि पहला वेद कौन सा है? चौंदड़ो, हाँ क्या बात, हाथ फेर दे रही है इसने, बड़े हाथ फेरे हैं, देखो हाथ फेर दे, बहुत बढ़िया, सारे आते हैं इनको बोर्ड बोर्ड सब देखो, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ तीन हो गए, चौथा और लिख दो, वाह ऋग्वेद, हिंदी में थोड़ा सा आतंग है लेकिन बाकी ठीक है। अच्छा इंग्लिश में भी आता है, इंग्लिश मीडियम है, अरे वाह क्या बात है, अब इंग्लिश मीडियम वालों का हिंदी मीडियम फ्लॉप हो जाता है, लेकिन जिसका हिंदी मीडियम हो ना उसकी हिंदी तो अच्छी होती होती है, इंग्लिश अच्छी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। इंग्लिश मीडियम वालों के ना प्रॉब्लम ही रहती है, उनको स्त्रीलिंग पुलिंग की प्रॉब्लम रहती है हमेशा। चलो बहुत अच्छा बताया आपने, जवाब अच्छे नहीं दिए अभी तक, पूछे नहीं सवाल दोगे कहाँ से। मुझे ये बताओ सिंधु काल क्लास लगी है क्या? ली अपने पूरी? सामाजिक जीवन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे, सिंधु कालीन शाकाहारी